अभी तो बिग बॉस के बहुत सारे फैन बन गए होंगे, मतलब एकदम मतलब छा गया है बिग बॉस ओटीटीया है कि फुकरा इंसान का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है गया। और एलविस तो मनीषा ने उनका बहुत ही ज्यादा केयर किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यू। तो सुबह हो चुका है और आज जाना है थोड़ा बाहर, क्योंकि दीदी मुझे दिला रही है रिंग और सूरी के लिए लेना है कपड़ा रेड कलर का, तो फ्रॉक वगैरह लेंगे और रिंग में दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसा लूँगी। मैंने मतलब सेलेक्ट किया है पहले से ही, तो अभी देखते हैं वही मिल जाए तो वो ले लूँगी। मैंने मतलब वो नहीं बोला था कि ये रखे रहना, अगर वो होगा तो मैं ले लूँगी, बाकी अगर दूसरा कोई अच्छा दिखेगा तो मैं लूँगी। बाकी मैं जा रही फेस पे थोड़ा सा मास्क लगाने, तो घर में बहुत लोगों ने लगाया तो मैं सोच रही हूँ मैं भी लगा लूँ, थोड़ा सा ठंडा ठंडा होगा। तो ये है मुल्तानी मिट्टी और इसमें एलोवेरा वगैरह भी मिक्स है, तो इसको लगा लेते हैं। उससे पहले मैं ये बाल को बांध देती हूँ। वैसे भी मुझे आज हेयर वॉश करना है, अगर लग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सब जगह लगा दिया, थोड़ा बहुत छूटा है तो मैं मिरर में देखकर लगा लेती हूँ। तो इसको लगाने के बाद आपको बोलना नहीं है, हम शांत रहना है, शांत होकर बैठना है। सो ये थोड़ा थोड़ा सूख चुका है, थोड़ा और सूख जाए ऐसा हो जाए तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। थोड़ा मुझे चुप पर आइचिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मुझे वॉश करना पड़ेगा। मुझे इचिंग हो रहा है, तुम्हें भी हो रहा था? नहीं, इचिंग हो रहा है, कुछ लाने का मन कर रहा है। मुझे लग रहा है मुझे वॉश करना पड़ेगा, थोड़ा सा और हो जाए। थोड़ा सा होता है। सो गाइस, सो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और आपने देखा तो, और मास्क वगैरह जो मास्क मैंने लगाया था उसको भी हटा दिया है। मुझे तो पता नहीं चल रहा अभी कि कुछ फ़र्क आया है, बट हाँ थोड़ा ग्लो करता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो पूरी तरह से सूखा नहीं था तभी मैंने हटा दिया, पता नहीं क्यों इस बार लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। बाकी अभी धूप नहीं है ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं अभी दीदी के साथ अभी चले जाते, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा अच्छा चल रही, जाएंगे मौसम अच्छा है तो अभी चले जाते हैं। और एक डेढ़ घंटा लगेगा सामान वगैरह लेने में, तो कपड़ा वपड़ा पहन लिया, रेडी हो गया। अभी थोड़ा कपड़ा आई हूँ, सूरी का कपड़ा है तो उसको डाल देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। हवा बहुत अच्छा चल रहा है तो चलते हैं। सारा डायपर अभी हम जा रहे हैं मार्केट लेने के लिए सामान, तो स्लीपर पहन ले, फटाफट जाना है क्योंकि लेट हो गया। रील्स बना रहे थे भैया लोग के साथ, मैं बना रही थी रील्स, बहुत सारा बना है, बहुत अच्छा अच्छा रील्स बनाए मैंने। सबसे बड़ा ये इतना सारा इसमें सब लोग का फुटवेयर भरा हुआ है ना कि लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि क्या पहन कर जाएँ। मुझे भी अपना, मैं भी ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या पहन कर जाऊँ। मैं ना वो ब्लैक वाला पहन कर जाऊँगी, नीचे रखा है ब्लैक वाला, देखो कितना सारा है भाई। यहाँ पे आकर हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या पहने, देखो कितने सारे हैं। मिला आपको कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे हम आए हैं दीदी के साथ ज्वेलरी शॉप पे। तो बड़ी वाली दीदी मुझे रिंग देने वाली है मेरे बर्थडे पे, तो उन्होंने बोला जाओ खुद से पसंद कर लो कोई अच्छा सा रिंग। तो पहले भी आई थी बट उस टाइम मुझे पसंद नहीं आया था, तो इस बार आई हूँ तो कलेक्शन अच्छा अच्छा आया था। तो यहाँ पे मैं 5-6 रिंग देखी हूँ, मैं आपको एक एक करके पहन कर भी दिखाऊँगी, आप बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बाकी ये पहला वाला मुझे पसंद आया था, उसका नग निकला हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिया, 4-5 मैंने पहना है। कपड़ा देखने के लिए लास्ट टाइम लेने, इसका सेकंड मंथ बर्थडे का रेड का, भैया रेड होगा तो रेड दिखाइए ना, सिर्फ रेड ही दिखाइए, उसके अलावा कोई कलर नहीं है, रेड ही चाहिए। ये नहीं होता तो अच्छा ही लगता, वो नहीं होता तो उसका लुक भी अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता है। तो ये वाला कपड़ा है अच्छा है, बट ये डिजाइन ठीक है, ये दे दो सबसे मिला। तो सूरी के थर्ड मंथ बर्थडे के लिए यहाँ पे कपड़े ले रहे हैं, तो
ये सब कपड़े भी देखे, तो टॉप तो मुझे पसंद नहीं आया, स्कर्ट काफ़ी प्यारा प्यारा था और कुछ कुछ कपड़े इतने बड़े बड़े दिखा रहे थे। मैंने बोला सिर्फ 3 मंथ की है, बट वो 3 क्या 4 मंथ की है, तो बहुत बड़े बड़े दिखा रहे थे। बाकी एक फ्रॉक लेना था रेड कलर का, क्योंकि थीम बर्थडे करने वाले थे हम, तो रेड कलर का फ्रॉक मिल गया बहुत ढूंढने के बाद ही मिला। और ऑनलाइन भी देखा तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, और उसके बाद यहाँ पे टॉय वगैरह देखने के लिए आ गए थे। कुछ अच्छा से खिलौना है जो सूरी को देंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे खिलौने देखे भैया निकाल कर दिखा रहे हैं। काफी मजबूत भी है ऐसे, उसे उसको ले फैलाना पड़ेगा। और इसके अलावा, इसके अलावा फिर आपका इसमें मिलेगा। हम घर पे आ चुके हैं और क्या क्या सामान लिए हम आपको दिखाते हैं। तो फटाफट के लिए 3 बो लेकर आए, बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा कलर लग रहा था, तो ये 3 बो लेकर आई। मार्केट में अच्छा बो दिख गया था तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बो बच्चे पे बहुत प्यारा दिखता है। ये 3 बो लेकर आए हैं सूरी के लिए, इसमें ये साउंड है और म्यूज़िक वगैरह, मतलब लाइटिंग है और म्यूज़िक वगैरह, तो हम आपको चला कर दिखाते हैं अच्छे से। उनको रेड कलर का सोरी के लिए, क्योंकि रेड कलर का सोरी के लिए फ्रॉक लिया है। ये है मेरा रिंग, तो मैंने ये वाली रिंग ली है, तो अभी मैं पहन के आपको दिखा दे रही हूँ। बाकी ये दीदी मेरे पट्टे पे देंगे मुझे, आप बताना कैसा लग रहा है मेरे हाथ पे। अभी तो बिग बॉस का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, क्योंकि अब ये मुझे लगता है ना, जो बिग बॉस नहीं देखता वो भी देखने लगा है बिग बॉस। और क्योंकि उसमें एकदम फेमस फेमस दो यूट्यूबर, और एक तो मनीषा राय भी फेमस यूट्यूबर है, 3 यूट्यूबर है। और फुकरा इंसान को तो आप सब जानते होंगे, और एल्विस को सब जानते हैं, इतने फेमस है वो। जब से आए तब से तो एकदम मतलब छा गया है बिग बॉस ओटीटी, है कि नहीं। और टाइमिंग भी बढ़ गया था बिग बॉस का, है ना, मतलब जो फर्स्ट वाला ओटीटी था उसका, वो तो आई थिंक 1 मंथ दिया होगा, ये तो ज़्यादा गया, हाँ 2 मंथ ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, अभी तो इस बार तो और भी ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब एक्साइटेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एल्विस जब से आए हैं, क्योंकि उनका डायलॉग वगैरह मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो सिस्टम ये वाला गाना भी बहुत तेज चल रहा है, तो बहुत मस्त लग रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही देखा यूट्यूब पे, फुकरा इंसान का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो हम लोगों ने हाईलाइट से कहा कि अभिषेक जो फुकरा इंसान है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको देखते हुए बिग बॉस ने मेडिकल रूम में बुलाया है, और मेडिकल रूम में बुलाया तो उनका इलाज, क्योंकि उनको बुखार वगैरह उल्टी वगैरह सब हो रहा है। बिग बॉस के घर में तो सब फैसिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए उनको थोड़ी देर के लिए बाहर ले गया है, उनका इलाज किया गया है, और फिर उनको अंदर लेकर आया गया। और एल्विस तो मनीषा ने उनका बहुत ही ज़्यादा केयर किया है, उनका मसाज किया है, तो सारे लोगों ने केयर किया, लेकिन एल्विस मनीषा ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और तीनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो फिनाले आने वाला है, तबीयत भी खराब हो गया, बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वो, क्योंकि तो अभी तो मतलब कि सस्पेंस बना है कि कौन विनर होगा, क्योंकि जब से एल्विस आया विनर होगा, हाँ, या फिर जो कंटेस्टेंट है वो विनर होगा। वैसे कंटेस्टेंट तो दोनों है, लेकिन वाइल्ड कार्ड विनर होगा। एल्विस जब से आया तब से और भी धमाका मच गया बिग बॉस में, और क्योंकि हम लोगों ने पहली बार ऐसा देखा कि कोई वाइल्ड कार्ड आया और इतना ज्यादा उसकी रेटिंग बिग बॉस की रेटिंग हो गई है। ऊपर से वो तो पॉपुलर भी इतना है, उनका डायलॉग भी, और टॉप 5 में तो पहली बार ही मैंने देखा है। हाँ वही तो, और उनका फॉलोवर भी इतने अच्छे, वो इतने अच्छे कॉमेडी भी करते हैं, वन लाइनर उनका फेमस है, उनका सिस्टम वो भी बहुत फेमस है। बट अभी हम लोग भी प्रे करते हैं कि फुकरा इंसान जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि 3 दिन ही बाकी हैं, 3 दिन में फिनाले होने वाला है, और उसमें पता चलेगा विनर कौन होगा। बट जो भी हो डिजर्विंग ही हो, तो वैसे डिजर्विंग ही कंटेस्टेंट अभी है टॉप 5 में, हाँ, क्योंकि मेहनत सभी ने किया है, बराबर ही मेहनत किया है, कोई भी जीते, हाँ, हमारा यूट्यूबर जीतेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही मुझे लगता है चांस है, क्योंकि वो तीनों लोग का तो मुझे बेस्ट लगता है,
फुकरा इंसान एल्विस और मनीषा रानी का। बाकी जल्दी से जल्दी फुकरा इंसान अभिषेक ठीक हो जाए और फिर से हम लोग को एंटरटेन करें। आगे प्रे करते हैं हम लोग भी, क्योंकि 3 दिन में फिनाले आने वाला है तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं उनका केयर करने के लिए। तो आप बताना आपको क्या लगता है बिग बॉस में, हाँ आपका राय बिग बॉस में कौन जीतता है? तो अभी हम जा रहे लीची खाने। तो यहाँ पे भैया ने लीची लाया था और हम लोग मोमोज लाए थे। तो पंखा भी चलता है यहाँ पे बहुत दिनों बाद, कुछ दिन बाद जो लगे ये मोमो की दुकान कहाँ है जी? नहीं तुम लोग पहुँच भी गए और मिल भी गए, वो हम लगाए रहते हैं ना यहाँ पे सब खा रहा था, बट इतना सब लोग बैकग्राउंड में हल्ला मचाया था ना कि मुझे म्यूट करना पड़ा सब कुछ। तो यहाँ पे सारे लोग मिलकर खा रहे हैं, मम्मी दीदी भैया, और ये लोग बात भी इतना कर रहे थे कि मुझे इतना अच्छा अच्छा हम लोग यहाँ पे बात किए, बट मुझे म्यूट लगाना पड़ गया था। गाइस बताना आपको आज की वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय।